मेथड्स पॉलिशिंग के दो होते हैं, एक में डायरेक्टली एब्रेसिव की बेल्ट होती है जो कि कोटिंग की होती है, मींस एब्रेसिव की बेल्ट जिसको कोटिंग किया जाता है, और कोटिंग किससे होगी, एब्रेसिव टाइप के जो ग्रेन्स है उनकी कोटिंग की जाती है इस बेल्ट के ऊपर, जैसे रेगमार्क इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा जो मेथड है कोटेड एब्रेसिव व्हील, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, जिसमें एक एब्रेसिव व्हील है और जो कोटिंग किया हुआ है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, पॉलिशिंग के जो दोनों मेथड्स हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझते हैं कोटेड एब्रेसिव बेल्ट। अब कोटेड एब्रेसिव जो बेल्ट है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो व्हील्स होंगे जो कि हब पे माउंट होंगे। एक जो व्हील होगा वो बेसिकली जो शाफ्ट रहेगा मोटर का उस शाफ्ट के ऊपर माउंट रहेगा, यानी एक प्रकार का ये रोलर है, एक प्रकार का व्हील है जो कि मोटर के शाफ्ट पे लगा रहेगा। अब मोटर यहां पे क्या है, ड्राइवर है, तो मोटर जब ड्राइवर होगी तो एक व्हील भी ड्राइवर बनेगा यहाँ पे, उस एक व्हील की वजह से दूसरा व्हील रोटेट होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि यहां से इस व्हील को हमने ड्राइव किया, इस व्हील को ड्राइव करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दूसरा जो व्हील होगा ये रोटेट होगा। जब ये दोनों रोटेट होंगे तो इसके ऊपर हमने माउंट कर दी है बेल्ट, अब ये जो बेल्ट है वो भी रोटेट होगी, तो यहां पे सेम कंडीशन रहेगी स्टार्टिंग में जैसा मैंने व्हील में समझाया, व्हील रोटेट होगा और वर्कपीस को इसके नजदीक लेकर के आएंगे। तो सेम केस कोटेड एब्रेसिव बेल्ट में भी रहने वाला है कि यहां से ये जो इसकी बेल्ट होगी एब्रेसिव कोटेड टाइप बेल्ट ये रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि यहां पे हमने वो मोटर लगाई और इसको हमने ड्राइव किया तो इस प्रकार से ये घूमेगी चलेगी और इसके नजदीक हम वर्कपीस को लाएंगे। अब वर्कपीस की वही सेम कंडीशन रहेगी, या तो हम उसको हैंड में होल्ड करें या फिर फिक्सचर में। फिक्सचर में होल्ड करना सबसे बेस्ट रहता है ताकि बिल्कुल इवन सरफेस मिले, जो भी वर्कपीस है उसका बिल्कुल टोटली स्मूथ सरफेस मिले और इवन मिले, कहीं भी अनइक्वलिटी ना मिले। तो कोटेड एब्रेसिव बेल्ट जिसमें हम लोग एक बेल्ट का यूज करते हैं जो कि एब्रेसिव पार्टिकल से कोटेड होती है, और जो बेल्ट है वो मोटर की सहायता से चलती है, मोटर की सहायता से वो ड्रीवन होती है। दूसरा जो है इसका मेथड कोटेड एब्रेसिव व्हील, जिसमें एक व्हील है जो कि हब पे माउंट है और व्हील डायरेक्टली क्या है एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्ट्रिप्स के साथ में बना हुआ है, यानी कि जो व्हील है उस व्हील के सामने फ्रंट में हम क्या लगाएंगे एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्ट्रिप्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं व्हील जो है हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल एब्रेसिव स्ट्रिप्स से मिलकर बना रहता है, और ये जो मेनली इसका व्हील होता है वो या तो लेदर का बनाया जाता है या वुल का बनाया जाता है, ज्यादातर जो व्हील्स होते हैं वो लेदर के या वुल के बनते हैं। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान व्हील की जो स्पीड रहेगी वो लगभग 1000 टू 150,000 मीटर पर मिनट की स्पीड रहेगी। इस व्हील की जो कोटेड एब्रेसिव टाइप व्हील है जब वो रोटेटिंग कंडीशन में होगा, और इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है लास्ट में कि ये मेथड जो है यानी कोटेड एब्रेसिव व्हील का मेथड है या पॉलिशिंग का मेथड है, उसमें सबसे पहले क्या होगा एक रफ फिनिशिंग होगी, रफ फिनिशिंग करने के बाद फिर ड्राई फिनिशिंग होगी, और फिर फाइनली जो है हम उसको 100% फिनिश करते हैं। तो ये होता है पॉलिशिंग का प्रोसेस, पॉलिशिंग का मेथड। थैंक यू दोस्तों।